भारत मंडपम में यूएसए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का आगमन हो चुका है। कल हमने देखा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई और कल हमने ये भी देखा कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जब दिल्ली पहुंचे तो सबसे पहले वो सीधे प्रधानमंत्री के आवास गए और वहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के बीच जो वार्ता हुई उसके बाद कुछ ठोस परिणाम जो सामने आए उसमें दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों को जो पहलू परिभाषित करते हैं जिसमें तकनीक भी शामिल है, जिसमें इनोवेशन भी शामिल है, जिसमें आर्थिक और व्यापार के मुद्दे भी शामिल हैं, इन्हें आगे बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्धता दोबारा से जाहिर की गई और ऐसे में G20 शिखर सम्मेलन से पहले भी अमेरिका की ओर से लगातार जो बयान आते रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत जिस सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें अमेरिका भारत का पूरा समर्थन कर रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन जिनका भारत मंडपम में आगमन और अमेरिका के पहले स्टेट विजिट के दौरान जिन मुद्दों की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी उसको और आगे बढ़ाते हुए दोनों ही नेता अपने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान और G20 के मंच पर भी जो वैश्विक मुद्दे हैं, भारत की प्राथमिकता के मुद्दे हैं, अमेरिका ने उनका खुलकर के स्वागत किया है। मल्टीलेटरल एजेंसीज इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स के मुद्दे पर अमेरिका स्पष्ट तौर पर भारत का समर्थन करता हुआ नजर आया है। UNSC की स्थायी सदस्यता का भी अमेरिका ने खुले तौर पर समर्थन किया है और ये स्पष्ट तौर पर अमेरिका कहता आया है कि अगर दुनिया की ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना है तो भारत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बदलते हुए परिदृश्य में दुनिया की सोच को बदलना ही होगा और दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तब भी हमने देखा कि किस तरीके से उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी ने प्रधानमंत्री के दोनों तरफ से हाथ पकड़ के वे उन्हें अपने आवास के अंदर लेकर गए थे और वो ये दिखाता है कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच कितने मधुर कितने करीबी संबंध हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पीछे चित्रित इस चित्र को राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक्सप्लेन करते हुए कि इसके मायने क्या हैं।